हेलो एवरीवन, आज हम पेल कटैचू पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पेल कटैचू जो है वो टानिन के अंदर आता है, टानिन पेल कटैचू के अंदर प्रेजेंट होता है। सो फर्स्ट इट्स सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब होता है दूसरा नाम। पेल कटैचू को दूसरा नाम क्या होता है या कॉमन नेम क्या होता है, उसे सिनोनिम बोलते हैं। सो पेल कटैचू का जो सिनोनिम होता है वो गैम्बियर कटैचू होता है, गैम्बियर कटैचू, या हम बोल सकते हैं टारा जेपोनिका। पर गैम्बियर कटैचू को आप प्रेफर कीजिए क्योंकि ये इजी भी है, साथ में कॉमन भी है। सो नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल सोर्स। बायोलॉजिकल सोर्स का मतलब कहाँ से हमें पेल कटैचू मिलता है, कैसे मिलता है, कौन से पार्ट से मिलता है, किस प्लांट से मिलता है, ये सब बायोलॉजिकल सोर्स में आते हैं। सो पेल कटैचू इज द ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स ऑफ अनकैरिया गैम्बियर। पेल कटैचू अनकैरिया गैम्बियर प्लांट में से मिलता है। कैसे मिलता है? अनकैरिया गैम्बियर प्लांट की हम लीव्स को और उसके ट्विग्स को, ट्विग्स मतलब होता है थिन ब्रांच को, और लीव्स को हम कलेक्ट करते हैं, तोड़ते हैं, देन उसको इसके प्रिपरेशन को हम पढ़ेंगे, फिर उसको हम बॉयल करते हैं, देन उसके बाद जो एक्सट्रैक्ट मिलता है, उस जो एक्वस एक्सट्रैक्ट मिलता है उसको ही कंसनट्रेट करके हमें पेल कटैचू मिलता है। सो पेल कटैचू इज़ दी ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट। ड्राइड मतलब हम कॉन्सनट्रेट कर रहे हैं, ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स ऑफ अनकैरिया गैम्बियर। लीव्स एंड ट्विग्स देखिए, जैसे कि ये एक स्टेम है, ये मोटी वाली ब्रांचेस हो गई, इन मोटी वाली ब्रांचेस से पतली पतली ब्रांचेस निकलती है नोड पर से, और फिर यहाँ पर ये लीव्स आते हैं, ये यहाँ पर लीव्स। तो क्या करते हैं अनकैरिया गैम्बियर के अंदर, यहाँ से इस वाले पार्ट से कट कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, देन उसके बाद इन ट्विग के साथ ही लीव को एक बड़े कंटेनर में, एक बड़े से जार पे बॉयल करने के लिए रख देते हैं। सो हम ये प्रिपरेशन में पढ़ेंगे। नाउ इट्स फैमिली, पेल कटैचू की फैमिली है रूबिएसी फैमिली है। हैबिटेट, नाउ हैबिटेट, हैबिटेट मतलब कहाँ पर ज़्यादा बोया जाता है, कहाँ पर ज़्यादा ये ग्रोन होता है। तो हैबिटेट है मलाया, इंडोनेशिया और बोर्नियो के अंदर ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नाउ प्रिपरेशन, प्लांट इज अ, प्लांट कौन सा? अनकैरिया गैम्बियर। ये जो है ना अनकैरिया गैम्बियर, वो साइंटिफिक नेम है, प्लांट का साइंटिफिक नेम है। तो साइंटिफिक नेम को हमेशा जो फर्स्ट वर्ड होगा उसका जो फर्स्ट वर्ड होगा वो हमेशा कैपिटल में आएगा, एंड सेकेंड जो होगा वो स्मॉल से शुरू होता है। और दोनों को अंडरलाइन करिए एग्ज़ाम के अंदर, ज़्यादा इंप्रेशन भी पड़ता है टीचर के ऊपर कि हाँ आपको आता है, ये जीनस स्पीशी के बारे में आपको पता है। प्रिपरेशन क्या है, प्रिपरेशन अब पढ़ते हैं। प्लांट इज अ श्रब, ये एक श्रब है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है, छोटी सी हाइट की रहती है। एंड ग्रोन फ्रॉम सीड, अ सीड हम लगाते हैं उसके बाद प्लांट होता है। तो आप सोचेंगे कि सभी प्लांट्स होते हैं वो तो सीड ही से होते हैं, तो ऐसे स्पेसिफिक करके क्यों लिखा है? पर ऐसा नहीं होता, कोई कोई प्लांट्स जो होते हैं वो स्पोर से भी होते हैं। नाउ द लीफी ट्विग्स, द लीफी ट्विग, इस ट्विग को बोला है ट्विग मतलब ये, और इसके ऊपर लीव्स अटैच हैं। द लीफी ट्विग्स अप टू 50 सेंटीमीटर इन लेंथ कट, इसकी जब लेंथ हो जाएगी ना, इतना बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर पूरे में लीव्स है, तो 50 सेंटीमीटर तक की मिनिमम या मैक्सिमम हम कह सकते हैं लेंथ होनी चाहिए, उसको कट कर लेते हैं 50 सेंटीमीटर इन लेंथ कट एट एन इंटरवल ऑफ 4 to 6 months। हर एक 4 से 6 महीने के बाद इसको कट कर देते हैं क्योंकि ये बड़ा हो जाता है फिर से। जैसे अभी हमने कट किया, देन उसके बाद 6 मंथ बाद फिर से कट कर देंगे क्योंकि ये बड़ा हो जाता है और साथ में हमें ड्रग भी चाहिए। सो The leafy twigs up to 50 centimeter in length cut at an interval of 4 to 6 month from 2 to 10 year old plant. और किस प्लांट से लेते हैं हम? 2 साल से 10 साल के जो प्लांट्स होते हैं उनसे हम ये ट्विग्स लेते हैं। द लीव्स एंड ट्विग्स आर बॉइल्ड विद वाटर, लीफ और ट्विग्स को पानी के अंदर डाल देते हैं बॉइलिंग के लिए, फॉर 3 घंटे उसको बॉइल होने देते हैं इन अ लार्ज टैंकर और इन अ लार्ज पेन। Now the leaves and twigs are removed and the extract is concentrated. जो leaves और twigs होते हैं उनको हटा देते हैं, फेंक देते हैं, और जो extract मिला, मतलब leaves and twigs के अंदर जितने भी tannin present है, जितने भी active constituent present है, वो पानी के अंदर आ गए, उसे हम कहेंगे extract। उस extract को ले लेते हैं, उसको concentrate कर देते हैं। concentrate का मतलब है water remove कर देते हैं, dry करते। फिर क्या होता है, एक सेमी सॉलिड सा मास बन जाता है, टू फॉर्म अ येलोइश पेस्टी मास या सेमी सॉलिड मास हमारा बन जाता है, जो कि येलो कलर का होता है।
इसके बाद क्या करते हैं, इस पेस्टी मास को हम एक कंटेनर के ऊपर ऐसे फैला देते हैं, देन उसके थोड़ी देर तक हम छोड़ देते हैं, उसके बाद उसे क्यूब्स के अंदर कट करके एंड देन मार्केट में सप्लाई करते हैं। सो ये हुआ प्रिपरेशन, आप ये नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट हम इसके बाद पढ़ेंगे। नाउ हमें प्रिपरेशन के अंदर येलोइश पेस्टी मास मिल गया है, उसके बाद क्या बोलते हैं प्रिपरेशन में कि इट इज़ कूल्ड इन ट्रेस और टिन कंटेनर। ये जो हमें पेस्टी मास मिला है उसको हम कूल करते हैं, कूल करने के लिए रखते हैं ट्रेस और टिन के कंटेनर्स में एंड कट इन टू क्यूब्स। जब ठंडा हो जाता है तब उसको क्यूब्स में कट कर देते हैं ऑफ यूनिफॉर्म साइज, एक समान कट करते हैं, साइज जो है वो सेम होना चाहिए। द क्यूब्स आर ड्राइड इन सन, फिर उसको अच्छे से ड्राई करने के लिए हम सन धूप में छोड़ देते हैं ताकि वो ड्राई हो, उसके बाद ड्राई होने के उसके बाद पैक कर देती है और एक्सपोर्ट होने के लिए चला जाता है मार्केट में। ना उसके कैरेक्टर की पेल कटैचो जो है वो कैसा होता है, उसका कलर क्या होता है, उसका टेस्ट ऑर्डर, ये सब है कैरेक्टर के अंदर। यानी कि पेल कटैचू अकर एज क्यूब्स की फॉर्म में होता है, ऐसे ये क्यूब्स बने हुए हैं ऑफ 2.5 सेंटीमीटर लेंथ, इनकी लेंथ जो होती है 2.5 सेंटीमीटर के करीब होती है और ब्रेथ भी वही होती है क्योंकि ये स्क्वायर है तो लेंथ ब्रेथ सेम होगी। कलर इज रेडिश ब्राउन, इसका जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन दिखने में होता है वो क्यूब्स। क्यूब्स आर ईजली ब्रेकेबल, ईजली से ब्रेक हो जाता है, इसका मतलब क्या है, इतना नाजुक होता है कि शिपिंग के टाइम पर, एक्सपोर्ट के टाइम पर उसे ध्यान से संभाल कर एक्सपोर्ट करना चाहिए, पकड़ना चाहिए, उठाना चाहिए। एंड फ्राइबल, बुरबुरा सा होता है, टूट सकता है। ड्रग, अब देखते हैं, ड्रग इज ऑर्डरलेस, इसकी जो स्मेल होती है कोई टेस्ट, इसकी कोई ऑर्डर नहीं होती है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती है, ऑर्डरलेस। इसका जो टेस्ट होता है वो एस्ट्रिंजेंट टेस्ट होता है, एस्ट्रिंजेंट का मतलब होता है जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, जैसे हम जब नींबू खाते हैं, नींबू का पानी पीते हैं, सादा नींबू पानी, ये नहीं कि आप शिकंजी बना के पी रहे हो, सादा नींबू पानी जब आप पियोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि कट आ गए आपके ओरल कैविटी के अंदर, आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर ऐसा लगेगा जैसे ऐसे ऐसे करके कुछ थ्रेड्स जैसे निकलने लगते हैं, मतलब कि फट सा जाता है गाल, ऐसा लगता है। टेस्ट इज एस्ट्रिंजेंट, उसको बोलते हैं एस्ट्रिंजेंट टेस्ट, फॉलोड बाय बिटरनेस, उसके बाद फिर बिटर टेस्ट आएगा, कड़वा टेस्ट आने लगेगा, उसके बाद स्वीटेस्ट टेस्ट, मीठा स्वाद आने लगेगा। देख लो तीन टेस्ट है, तीन टेस्ट, इतना तो पिज्ज़ा के अंदर भी टेस्ट नहीं आता, तीन टेस्ट, एस्ट्रिंजेंट, फिर बिटर, फिर स्वीटेस्ट, मीठा लगने लगता है, वाह। फिर थर्ड है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से केमिकल इसके अंदर प्रेजेंट है जो कि ये यूज़ होता है एज अ ड्रग। तो पेल कटाचू कंटेन कैटेचुटानिक एसिड प्रेजेंट होता है 20-25%। जो क्वांटिटी, जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं उनको हमेशा सबसे पहले लिखिए। तो पेल कटाचू के अंदर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होता है कैटेचुटानिक एसिड जो कि 20-25% होता है। नाउ कैटाजन उसके बाद 7-33% होता है। जो कैटाजन जो होता है वो वाटर सॉल्यूबल है। ना उसके बाद पाइरोगैलोल भी प्रेजेंट होता है, कैम्बियर क्यूरसिटीन भी प्रेजेंट होता है, ये सब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। ना इसके यूजेस पे आते हैं कि पेल कटाचू एक ड्रग है तो ये क्या काम करता है, किस चीज़ में काम करता है। तो ये टैनिन है, एक तो पेल कटाचू के अंदर टैनिन प्रेजेंट होता है और टैनिन के जब हम उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि वो एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी सबसे मेन प्रॉपर्टी होती है। एस्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है, जो कि प्रोटीन को कोएगुलेट करता है, स्किन को टाइटन करता है। इसके बाद वो डायरिया में भी काम आता है, डायरिया मतलब लूज मोशन में भी काम आता है, लूज मोशन को रोकने के लिए काम आता है। देन उसके बाद लोजेंजेस में काम आता है, लोजेंजेस मतलब हम कफ के अंदर यूज़ करते हैं लोजेंजेस को, क्यों, क्योंकि इसका स्वीटेस्ट टेस्ट होता है। यहाँ पर हमने पढ़ा कि ये पेल कटाचू स्वीट है तो इसीलिए हम लोजेंजेस के केस में इसको चबाते हैं ताकि जो कफ है, जो सोर थ्रोट है, गला खराश है वो ठीक हो सके। लुब्रिकेशन ऑफ थ्रोट भी करता है, लुब्रिकेट करता है थ्रोट को। फिर टैनिन के अंदर काम आता है, टैनिन प्रोसेस होता है जो कि एनिमल हाइड को लेथर में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम पेल कटाचू का यूज़ करते हैं ड्यू टू इट्स टैनिन प्रॉपर्टी, टैनिन प्रेजेंट होता है इसीलिए। नाउ डाइंग फाइबर, ये सब मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, उसका पहले एक बार लेक्चर देखिए। डाइंग फाइबर फैब्रिक, अगर कपड़ों को अगर हमें डाई करवाना है, कलर देना है, तो हम
पेल कटाचो का यूज़ कर सकते हैं। अगर दुपट्टे के अंदर हमने ब्राउन कलर या ब्लैक कलर कराना है तो हम एक पतीले के अंदर पेल कटाचो का एक क्यूब या दो क्यूब डालकर उसको खौलाकर और उसको मिलाकर फिर वाइट चुन्नी को डालकर ब्राउन और ब्लैक कलर उस चुन्नी को दे सकते हैं, उस दुपट्टे को दे सकते हैं। सो ये हुए यूजेस। नाउ केमिकल टेस्ट फॉर पेल कटाचू। सबसे पहला है गेंडिया फ्लोरेसेंट टेस्ट, सेकेंड वन इज मेजेस्टिक टेस्ट जिसको कैटेचिन टेस्ट भी बोलते हैं, थर्ड वन इज वेनिलीन हाइड्रोक्लोरिक टेस्ट एंड फोर्थ इज क्लोरोफॉर्म टेस्ट। ये चार टेस्ट जो है वो पेल कटाचू देता है। गेंडिया फ्लोरेसेंट टेस्ट के अंदर क्या होता है अब देखते हैं। अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ पेल कटाचू 1 ग्राम। पेल कटाचू के अंदर 70% जो होता है वो वाटर सॉल्यूबल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, और 60% जो होते हैं वो एल्कोहलिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम पेल कटाचू की क्यूब को एक एल्कोहल के अंदर डिजोल्व करते हैं तो जितने भी एल्कोहलिक सब्सटेंस, एल्कोहलिक कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो तो डिजोल्व हो जाते हैं और वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंस ऐसे की ऐसे रह जाते हैं। नाउ अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट, उसी को बोला है एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट। अ मिक्सचर ऑफ, ये एल्कोहल कुछ भी हो सकता है, मीथेनॉल, इथेनॉल, जो भी गिवन है आपकी लेबोरेटरी के अंदर प्रेजेंट है, जहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है वहाँ पर प्रेजेंट है, तो वो एल्कोहल हम लेते हैं। अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट हमने बना लिया ऑफ पेल कटाचू 1 ग्राम वहाँ से लेंगे, उसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सॉल्यूशन के अंदर डाल देंगे। कितना लेंगे? 5 ml। फिर पेट्रोलियम ईथर लेंगे 5 ml, इस शेकन तीनों को मिला देंगे। क्या किया हमने फिर से देखते हैं। एक बीकर लिया, उसके अंदर पेट्रोलियम ईथर डाला, उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन 5 ml डाला, 5 + 5 10 ml सॉल्यूशन हो गया। उसके अंदर 1 ग्राम हमने अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट और पेल कटाचू डाला, उसको तीनों को मिला देंगे, शेक कर देंगे एंड कैप्ड फॉर सम टाइम, थोड़ी देर तक छोड़ देंगे। द पेट्रोलियम ईथर शो ग्रीन फ्लोरेसेंस। जो पेट्रोलियम ईथर है वो ग्रीन फ्लोरेसेंस मतलब ग्रीन धुआं आता हुआ थोड़ा सा हमें दिखेगा। नाउ सेकेंड वन इज मेजेस्टिक टेस्ट जिसको कैटेचिन टेस्ट भी बोलते हैं। पेल कटाचू पॉजिटिव मेजेस्टिक टेस्ट या कैटेचिन टेस्ट देता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लोरोग्लूसिनॉल, जो कि हमने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर पढ़ा भी था कि फ्लोरोग्लूसिनॉल प्रेजेंट होता है पेल कटाचू के अंदर। अब मेजेस्टिक टेस्ट या कैटेचिन के टेस्ट के अंदर होता क्या है, एक माचिस की तीली लेते हैं हम, उसको हम प्लांट एक्सट्रैक्ट के अंदर यानी कि पेल कटाचू एक्सट्रैक्ट के अंदर हम उसको डुबाते हैं, देन उसको फिर हम HCl के अंदर डुबोते हैं और फिर हम उसे बंसन बर्नर के ऊपर रखते हैं, उसको जलाते हैं, देन वो जो वुड होती है, मेजेस्टिक वुड होती है, वो पिंक और रेड कलर में चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो जाती है? क्योंकि फ्लोरोग्लूसिनॉल जो होता है वो प्रेजेंट होता है उस एक्सट्रैक्ट के अंदर, प्लांट एक्सट्रैक्ट के अंदर, इसीलिए। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट, वेनिलीन हाइड्रोक्लोरिक टेस्ट। वेनिलीन हाइड्रोक्लोरिक टेस्ट जो होता है वो पेल कटाचू पॉजिटिव देता है। इसके अंदर क्या होता है कि पेल कटाचू एक्सट्रैक्ट को हम लेते हैं और वेनिलीन हाइड्रोक्लोरिक रिएजेंट के अंदर हम उसको डाल देते हैं। अब वेनिलीन हाइड्रोक्लोरिक रिएजेंट क्या होता है, हम वेनिलीन लेंगे 1 ग्राम, एल्कोहल होगा 10 ml, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा 10 ml, तीनों को मिक्स करेंगे, वेनिलीन हाइड्रोक्लोरिक रिएजेंट बन जाएगा। जब हम पेल कटाचू एक्सट्रैक्ट को वेनिलीन हाइड्रोक्लोरिक रिएजेंट में डालेंगे तो हमें पिंक और रेड कलर देगा। पिंक और रेड कलर क्यों आता है, यहाँ पर हमने पढ़ा था ड्यू टू फ्लोरोग्लूसिनॉल, तो यहाँ पर भी फॉर्म होगा ड्यू टू फ्लोरोग्लूसिनॉल। नाउ फोर्थ वन इज क्लोरोफॉर्म टेस्ट। क्लोरोफॉर्म टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, पाउडर ड्रग लेते हैं। पाउडर ड्रग कैसे लेंगे, एक्सट्रैक्ट तो हमें पता चल गया, कैसे लेंगे पाउडर ड्रग, क्या करेंगे, पेल कटाचू के क्यूब्स को वाटर में ना डिजॉल्व करके उसको क्रश कर देंगे, उसको ग्राइंड कर देंगे सीधा, क्योंकि पेल कटाचू के क्यूब पहले से हमने ड्राई कर रखे हैं। नाउ पाउडर ड्रग ऑफ पेल कटाचू 0.5 ग्राम लेंगे, उसको हीट करेंगे विद क्लोरोफॉर्म 5 ml, उसको हीट करेंगे क्लोरोफॉर्म 5 ml के अंदर 1 से 2 मिनट के लिए। सपोजेड ये हमने एक बीकर लिया, इसके अंदर 0.5 ग्राम पाउडर ड्रग डाला, इसके अंदर फिर 5 ml क्लोरोफॉर्म डाल दिया, उसको वाटर बाथ के अंदर हीट करेंगे 1 से 2 मिनट के अंदर। वाटर बाथ होता क्या है, जब आप लेबोरेटरी के अंदर जाओगे प्रैक्टिकल करने के लिए तो एक ऐसा बॉक्स होगा, स्टील का कंटेनर होगा, उसके ऊपर जैसे ये ऐसे ही होता है, स्टील का कंटेनर होगा और यहाँ पर 6-7 छेद होंगे, 6-7 छेद होंगे और यहाँ से इसको, इसकी तार को जो है प्लग कर देंगे, स्विच ऑन कर देंगे, देन ये इसके अंदर वाटर डाल देंगे और इसके अंदर कॉइल्स होती है जैसे ये कॉइल्स क्या करती है, उस वाटर को बॉइल करती है, गर्म करती है, देन यहाँ से जब धुआं निकलेगा, इन छेदों में से धुआं निकलेगा और यहाँ पर जो हम छेद होते हैं इसके ऊपर हम अपना बीकर रख देंगे। बीकर रखने के बाद इन धुओं से ही वो जो है डिसॉल्व होगा सब्सटेंस। ये होता है वाटर बाथ का मतलब।
ये आप लेबोरेटरीज के अंदर प्रैक्टिकल के लिए आप जाओगे तो आप पक्का ही कोई ना कोई तो ऐसा टेस्ट होता ही है जिसमें हमें वाटर बाथ देना ही पड़ता है डिजॉल्व के लिए। हीट से क्या होता है, जल्दी इजिली सॉल्यूबल हो जाता है सब्सटेंस ना। उसके बाद क्या होगा, जब हमने पाउडर और क्लोरोफॉर्म को 1 से 2 मिनट के लिए वाटर बाथ दे दिया तो जो ऑर्गेनिक लेयर होगी, ऑर्गेनिक लेयर मतलब क्लोरोफॉर्म जो लेयर होगी उसे हम हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, चाइना डिश के अंदर फिल्टर कर देंगे और एक ग्रीनिश रेजिड्यू बचेगा, ग्रीनिश रेजिड्यू बचेगा और यही हमें बताता है कि इसके अंदर पेल कटाचू प्रेजेंट है। क्योंकि पेल कटाचू हमें जो है वो लीफ एक्सट्रैक्ट से मिलता है, लीफ को बॉईल करने के बाद और ट्विक्स को बॉईल करने के बाद उसको कॉन्सनट्रेट करने के बाद तो लीफ के अंदर तो क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट होता ही है, इसीलिए ये ग्रीनिश कलर भी देता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म पिगमेंट और ये हमारा क्लोरोफॉर्म टेस्ट भी पेल कटाचू देता है। सो ये ख़त्म हुआ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।